हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 पार्ट किया है जो एमसीक्यू था, और आज भी एमसीक्यू ही है। और इसमें सबसे आज की वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है। तो आज पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। हम कुछ 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, इंजीनियर यानी ड्राफ्ट मैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुँचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन RRB तिरुवनंतपुरम में सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल में पूछा है। ये 4/1/2009 को, यानी 2009 के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है। ऑप्शन ए मौखिक रूप से, ऑप्शन बी लिखित रूप से, सी चिन्ह या संकेत या चित्र रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सारी बातें सही है, सारी चीज़ों का प्रयोग करके जो है कि एक इंजीनियर अपनी बातों को पहुंचाता है कारीगरों को, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है कि सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के डिटेल परिवर्धन यानी मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है मैट्रिक संदर्भ, वी है ग्रिड संदर्भ, सी है शीर्षक ब्लॉक, डी है फ्रेम। और ये क्वेश्चन RRB भोपाल सेक्शन इंजीनियर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल्स परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता ग्रिड संदर्भ कहलाती है। सीधे सीधे इसका ये क्या है, डिफिनीशन है, उसी को यहाँ पे लाके रखा है, आपको दिया है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइंग शीट को वाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए मार्जिन लाइन, बी बॉर्डर लाइन, सी फ्रेम, डी अनुस्थापन चिन्ह। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर टेक्स्ट बुक में, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए RRB कोलकाता केमिकल एंड मेटालर्जिकल में पूछा है, मेटालर्जिकल, ठीक है। तो मेटालर्जिकल में 2002 के एग्ज़ाम में ये आया था, ठीक है। सारा मैंने RRB से रिलेटेड कुछ इसरो और कुछ DRDO से भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल गया है तो वहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। ऑप्शन ए मार्जिन लाइन, बी बॉर्डर लाइन, सी फ्रेम और डी अनुस्थापन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी बॉर्डर लाइन, ठीक है। उसके बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए जो बाहर तरफ जो लाइन खींची जाती है उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में कौन सी RF घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है, ठीक है। RF मतलब क्या होता है, RF का मतलब ये निरूपक भिन्न निकालने के लिए होता है, ठीक है। उसको जो है कि तो इसमें पूछ रहा है कि जितनी RF की संख्याएं दी गई हैं, आपको देखिए नीचे ऑप्शन ए में 1:1, 1:20 और उसके बाद यहाँ पर देखिए 8:6 ये सब बातें दी गई हैं। तो यही बातें यहाँ पे पूछ रहा है, और ये सी में है 50:1। तो ये पूछ रहा है कि इन सारे RF में जो कि घटता पैमाना रेखा चित्र कौन से दर्शाता है। तो ये पैमाने भी 3 प्रकार के होते हैं, घटता पैमाना या न्यून कारक पैमाना। तो उसका रेशियो होता है 1:20। पहले रुकिए, यहाँ पे पहले इसका आंसर देख लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर जो होगा 1:20 होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए NCVT 2012 कारपेंटर
प्लम्बर, वेल्डर, सीट मेटल, ATC में पूछा गया था, NCVT एग्जाम होता है ITI का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1:20। इसको 1:20 को हम क्या करते हैं, घटता पैमाना या न्यून कारक पैमाना, ठीक, जिसका RF यानी निरूपक भिन्न 1:20 में होता है। और जो कि ये 50:1 जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, जिसका RF 50:1 होता है उसका हम कहते हैं दीर्घ कारक पैमाना या बढ़ता हुआ पैमाना, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो 8:6 दिया है यहाँ पे, 8:6, तो 8:6 होता है ये भी दीर्घकारक के ही अंदर आता है, ठीक है, ये दोनों। और यहाँ जो ऑप्शन ई में दिया है 1:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:1 होता है पूर्ण मापनी, ठीक है, पूरा फुल स्केल होता है, पूर्ण मापनी होता है, ठीक। तो यही तीन चार प्रकार इसके होते हैं, तीन प्रकार, और इसी में से कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के पेपर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB कोलकाता जूनियर इंजीनियर सेकेंड इलेक्ट्रिकल DRG एंड डिजाइन 2016, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था 11/6/2016 को, सॉरी 2006। तो तक इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कार्टिज पेपर, बी ड्रेसिंग पेपर, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों। इसमें हम कार्टिज पेपर और ड्राइंग पेपर और सॉरी ट्रेसिंग पेपर दोनों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जो कार्टिज पेपर होता है यह पेंसिल ड्राइंग्स के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला कागज होता है, ठीक है, इसका वजन कितना होता है 90 GSM, ठीक है। और जो ड्रेसिंग पेपर होता है ये प्राकृतिक ड्रेसिंग पेपर उच्च गुणवत्ता वाले ड्रेसिंग सामग्री होती है जिसे 25 मीटर के रोल में क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः इसका वजन जो है कि 38 GSM से 63 GSM तक होता है, और इसका प्रयोग प्रायः तकनीकी ड्राइंग्स की ट्रेसिंग के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है। मध्य सूची का मतलब जो जिसका हम बजट वगैरह बनाते हैं, खर्चा पानी, जो कि कोई चीज़ अगर बनाते हैं जैसे घर बन गया, कुछ भी बना रहे हैं, तो उस विषय को लेकर के हैं कि हम कौन से सेक्शन में मध्य की यानी पूरे जो है कि खर्च की जो है कि हम देखेंगे किसी ड्राइंग के अंदर कि खर्च की सूची कौन सी है। देखिए RRB बंगलोर सेक्शन इंजीनियर सिविल में पूछा है 2009 में, ठीक है, RRB बंगलोर सेक्शन इंजीनियर सिविल में 2009 में पूछा गया। तो सिविल में ही ये सब बातें होती है मध्य वगैरह की। तो ऑप्शन ए कंपनी का नाम, RX 66 पैमाना, प्रक्षेप का कोण, बी है मध्य विवरण पदार्थों मात्रा, विशिष्ट संकेत, लघु रूपे को बीमा इकाइयाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखिए मध्य के बारे में जानकारी लिया है, तो जितने भी इसके विषय में जो मध्य विवरण मात्राएँ पदार्थ इस सब के बारे में जानकारी, ऑप्शन बी सही रहेगा, यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ जितने पिछले ड्राइंग में, इसके अलावा अगर मैं जहाँ भी मुझे मिलता है ये मैं जरूर बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन BIS से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा गया RRB चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा, ये आगे भी किसी न किसी पेपर में पक्का आएगा। आपका BIS का फुल फॉर्म क्या होता है और ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ISO होता है, सॉरी ISO, उसका भी पूछ सकता है। तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स कहेंगे आपसे कि अगर इस टाइप के आपको और वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इसको कंटिन्यू करिए, इस टाइप की वीडियो दीजिए, पूछिएगा प्रश्नों का संग्रह दीजिए, तो मैं तुरंत जो है कि कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। DMRC इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2014 में पूछा है। DMRC जानते होंगे दिल्ली मेट्रो का है। तो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार।
इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो होती है आकार, उसकी साइज जो है किसकी मेन जानकारी होती है, ठीक है। और उसी आकार पे दूसरी वस्तु कम संख्या में बनाने में मदद मिलती है हम लोगों को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? ये RRB चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर सिविल में 2012 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, साफ सुथरी ड्राइंग, पेंसिल की स्याही प्रकृति को, ए और बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट के प्रयोग से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे साफ सुथरी ड्राइंग हो, पेंसिल की स्याही की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन मैंने आज इसीलिए लिया कि ताकि आपको पता चले कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं भी कठिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आया है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था और फिर भी हमने देखा है कि इसरो में जो इसका आंसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेशियो बिटवीन टू एडजस्टेड साइड ऑफ ए ड्राइंग शीट, एक ड्राइंग शीट के दो समस्पष्ट पार्श्वों के बीच का रेशियो अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 1:1, 1:2, 1:3, 1:1, 1:0.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स दूसरी बुक में मैंने देखा दो जगह पे, जब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा था उसमें दिया था 2:1 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कि ड्राइंग शीट के जो जब एडजस्टेंस साइड की बात पूछ रहा है तो 1:2 दे रहा है, और लंबाई और चौड़ाई का कई बुक में 1:2 ही दिया है, लेकिन मैंने दो बुकों में भी देखा वहाँ पे, और लंबाई छोड़ने और चौड़ाई का अनुपात उसने 2:1 कर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, जब इसरो ने आंसर लिया है 1:2, तो मेरे हिसाब से सही आंसर जो है कि 1:2 ही होगा। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था, जैसे मोनोजीत सेन थे और EGGK ट्रिक्स करके कोई है, वो सब लोगों ने कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग 1:2 ही दीजिए, क्योंकि इसरो ने भी इसी को आंसर माना है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, ये RRB चेन्नई सेक्शन इंजीनियर 2012 में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, कि शीर्षक ब्लॉक जो जो लोग हमने ड्राइंग शीट पे शीर्षक ब्लॉक बनाते हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये राइट कॉर्नर में हम लोग बनाते हैं नीचे। तो क्या है ऑप्शन देखिए, कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, उपरोक्त सभी। तो शीर्षक ब्लॉक में हम कंपनी का नाम भी लिखते हैं, ड्राइंग का शीर्षक भी लिख सकते हैं, और ड्राइंग का पैमाना, इसी सारी बातें लिखते हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ज़रूर इस पे इनवाइट करिएगा, ये वीडियो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार। और क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ एन ए जीरो साइज ड्राइंग शीट, ठीक है, मतलब ए जीरो साइज के ड्राइंग शीट का एरिया क्या होगा, ये बात पूछी गई है। तो ऑप्शन ए देखिए 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर, और ए में है 0.25 मीटर स्क्वायर, सी में है 0.75 मीटर स्क्वायर, और डी में है 1 मीटर स्क्वायर। 2015 में इसरो में क्वेश्चन पूछा है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर वही होगा डी 1 मीटर स्क्वायर। आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले मैं एक वीडियो में जो ड्राइंग का थर्ड वीडियो आया था थर्ड पार्ट, मैंने उसमें भी बताया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पूछ भी दिया इसरो में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ये देखिए क्वेश्चन अगला जो आपके सामने है, क्लाइनोमीटर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, डैश दिया है। तो क्लाइनोमीटर्स आर यूज्ड फॉर, ये इसरो में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, लाइनर लीनियर मेजरमेंट के लिए, रैखिक मापन के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, फ्लैटनेस मेजरमेंट यानी सपाटता मापन के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगुलर मेजरमेंट यानी कोणीय मापन के लिए जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है,
क्लाइनोमीटर का, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। ये ड्राइंग में इसलिए ले लिया कि जो एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन, ये जो है कि ड्राइंग से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये सब मापन मापने के कुछ मेजरमेंट होते हैं। जैसे एंगल मेजरमेंट के लिए देखिए, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर लिया जाता है, स्प्रिट लेवल लिया जाता है, साइन बार लिया जाता है, कोण प्रमापी लिया जाता है, विभाजक यानी डिवाइडर लिया जाता है, ठीक है। ये सब बातें होती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सब हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। जैसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, जो हमारा गियर के दांतों को मेजरमेंट में प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैं हम उस सब चीज़ों से, मेजरमेंट्स में भी पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि विच वन इज नॉट द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रिम ड्राइंग सीट, यानी निम्नलिखित में से ट्रिमित और एखंड सीट का मानक आकार कौन सा नहीं है, ठीक है। 481x1189, 441x1189 और 420x594, फिर 210x297। इसके बाद अगला है 257x420, 257x420, ठीक है। तो इसमें जो 420x596 जो है, ये नहीं है, जो 96 की बात की, 96 की बात हुई, ये ड्राइंग शीट का मानक आकार नहीं है, क्योंकि 596 नहीं होता है, 594 होता है, 94 होता है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे होता है कि देखिए, 481x1189 यानी 441x1189 mm में होता है, ठीक है। तो ये जीरो का है, और जो 96 दिया है, 420x594 होता है, और ये A2 का होता है साइज़, ठीक है। और 210x297 ये होता है A4, OA4 जो हम लोग यूज करते हैं, A4 साइज़ का ही पेपर हम लोग जैसे कहीं जाते हैं फोटो कापी वगैरह कराते हैं, वो सब A4 का होता है, और A4 को या फिर A0, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछता है, ठीक है। 297x420 जो ऑप्शन डी में दिया है, तो ये हमारा क्या है, ये है A3 साइज। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, सारी साइज आप याद कर लीजिए एक बार और, ठीक है। मैं पहले तो बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, हाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसको ध्यान से पूरा देखिए। A0 कितना है, सारी साइज mm में है, ठीक है। एक तरफ डेजिनेशन लिखा और दूसरी तरफ साइज इन mm, डेजिनेशन है। देखिए A0 का 841x1189 यहाँ देखिए, और इसके बाद A1 का है 594x841, A2 का कितना है 420x594, देखिए 594 है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया था 596। A3 का 297x420, और इसके बाद A4 का कितना दिया है, A4 का दिया है 210x297, A5 का 148x210, और A6 लास्ट है 105x148। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, A4 तक ही पूछता है, लेकिन आप A0 और A4 को तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं हो रही है तो आप A0 और A4 का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपको आंसर भी हम करेंगे। थैंक यू।